नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम TGT 2021 का जो पेपर हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। आने वाले TGT एग्जाम PGT एग्जाम के लिए आप लाभदायक होगा, साथ ही साथ जिन्होंने ये परीक्षा दी है वो अपना एक तरीके से चेक कर सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो सकता है, तो 22 जो क्वेश्चन नंबर है 22 कहेंगे द हस्कलेस वैरायटी ऑफ बार्ली, इसमें से कौन सा है, मंजुला KK141, डोलमा, नॉन ऑफ दीज। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो इसमें जो राइट आंसर लगाया गया है डोलमा, ये राइट आंसर है डोलमा। सेकंड वन 23 क्वेश्चन, पोटेशियम क्लोराइड्स कंटेन, जो हमारा पोटेशियम क्लोराइड होता है उसमें K2O में पोटास की मात्रा कितनी पाई जाएगी, 70 से 72, 80 से 85, 58 से 60, 50 से 52। तो जनरली अगर हम देखें इसमें तो सभी को मालूम होगा 50%, तो ये हमारा ऑप्शन जो डी है जिनका है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 24, एडल्ट फीमेल ऑफ गोट इज नोन एज, ये देखिए ये भी अरुण कात्यायन से ही था, ये एडल्ट फीमेल ऑफ गोट इज, जो फीमेल गोट होती है एडल्ट उसे हम क्या कहते हैं, तो ये गिल्ट, ड्यू, डो या इव, सो। तो ये एक तरीके से हमारे जो एडल्ट फीमेल हैं, एडल्ट मेल हैं, गोट, शीप, काउ, बुफेलो, सबके अलग अलग नाम हैं, तो वहाँ से सीधा पूछा गया है। तो इसका जो है वो 24 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वन NDRI लोकेटेड, तो सबको मालूम होगा जहाँ तक, बड़ा ही नेशनल डेयरी, इसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है। तो 25 का बी सही है, करनाल। नेक्स्ट वन 26 क्वेश्चन, यूज ऑफ लाइट ट्रैप फॉर कंट्रोल ऑफ फिश कम अंडर विच मेथड्स, देखिए ये एक तरीके से ये अरुण कात्यायन में आपको मिल जाएगा, और ये भी अरुण कात्यायन से काफ़ी क्वेश्चन मैं जो देख रहा हूँ TGT का जो पेपर है अरुण कात्यायन, अगर किसी की तैयारी करनी है तो चार बेसिक बुक हो सकती हैं। फर्स्ट वन अरुण कात्यायन, सेकंड वन अगर हम कहें इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर के लिए, और थर्ड अगर एक बुक है तो ये कहेंगे कि UP कैटेट जो 12 का एग्ज़ाम होता है उसके लिए एक बुक आती है, तो वो बुक कह सकते हैं कि उसमें जो डेयरी का पोर्शन है वो, तो ये एक तरीके से पूरा का पूरा सफिशियंट है। चलिए, बुक का नाम आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दिया जाएगा, बाय कोशिश ये की जाएगी। तो इसमें लाइट ट्रैप जो होता है वो किसके अंतर्गत आएगा, बायोलॉजिकल तो है नहीं, कल्चरल कंट्रोल, मैकेनिकल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल। तो अगर इसमें हम चारों ऑप्शन में देखते हैं तो ये सिंपल सा है, बायोलॉजिकल कंट्रोल नहीं होगा, केमिकल कंट्रोल नहीं होगा। अब कन्फ्यूजन जो स्टूडेंट के बीच आएगा वो कल्चरल एंड मैकेनिकल, मैकेनिकल कंट्रोल में अगर हम बात करें जैसे हम नेटिंग करते हैं तो ये सारे जो प्रोसीजर होते हैं ये हमारा मैकेनिकल के अंतर्गत आता है, बट एक तरीके से हम लाइट ट्रैप का यूज कर रहे हैं तो ये कल्चरल कंट्रोल के अंतर्गत आपका, तो ये हमारा जो अगर कहें तो कल्चरल कंट्रोल में जैसे हमारा होता है क्या कि हम एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस जो अपनाते हैं वो ट्रैप क्रॉप का यूज करना, तो ये सभी, लेकिन यहाँ लाइट ट्रैप की बात हो रही तो एक तरीके से ये मैकेनिकल कंट्रोल के अंतर्गत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन 27 के नहीं है, ये आपका 41 है, हालांकि आपको 120 क्वेश्चन ये टोटल मिलेंगे इसमें। नेक्स्ट वन हमारा जो है 41 क्वेश्चन, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस इज फॉर्म, तो जैसे हमारा मेटामॉर्फोसिस जो होता है वो इनकम्प्लीट, कम्प्लीट, तो एक मेजर रूप से, तो लेप्टोप्टेरा ये भी हमारा कम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है, हाइमनोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, तो ये हाइमनोप्टेरा के अंतर्गत हमारा हनी भी हो जाएगा, कोलियोप्टेरा के अंतर्गत ग्रब्स एंड बीटल्स होते हैं, तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो एक तरीके से कहेंगे कि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, इन विच रीजन ड्रिप इरीगेशन इज सुटेबल, ड्रिप अर्थात सिंचाई कहाँ उपयुक्त होगी, ह्यूमिड रीजन, ड्राई रीजन, हाई रेनफॉल एरियाज, नॉन ऑफ दीज। तो हाई रेनफॉल एरियाज एक तरीके से सुटेबल नहीं होता है, और अगर हम बात करें ह्यूमिड रीजन, अगर ह्यूमिड रीजन है तो फिर हमें अगर मेजर रूप से देखा जाए तो फिर वहाँ भी एक तरीके से आर्द्र और नम क्षेत्र है, तो ड्रिप इरीगेशन विशेष रूप से
तो कह सकते हैं कि ड्राई रीजन जहाँ पानी की आवश्यकता पानी एक तरीके से कम रहता है, ड्राई रीजन रहता है, वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन कह सकते हैं कि मोस्ट सुटेबल हो सकता है। नेक्स्ट वन 43 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट का करेक्ट फार्मूला क्या है? तो ये आपका 3Ca3PO42CaF2, तो ये एक तरीके से ये करेक्ट फार्मूला हमारा हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, बर्लेट इज द प्रोमिनेंट कल्टीवर ऑफ, तो ये काफ़ी फेमस वैरायटी है और ये हमारी पियर की, काफ़ी फेमस पियर की वैरायटी कह सकते हैं कि ये भी डायरेक्ट इंस्टेंट से आपको मिल जाएगा। द टिलेज ऑपरेशन दैट इज डन इन फील्ड विथ स्टैंडिंग वाटर, अगर पानी भरा हुआ है और उसमें हम जुताई की क्रिया करते हैं, कर्षण क्रिया करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? गीली जुताई, जुताई करना, मिट्टी चढ़ाना, पाटा लगाना, तो एक तरीके से गीली जुताई जिनको ये है, या हम पडलिंग। और ये किस क्रॉप में की जाती है? कभी कभी हमारा कम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस क्रॉप में की जाती है, तो ये पडलिंग, पैडी क्रॉप। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं 46 नहीं है ये 50 क्वेश्चन, हालांकि आपको मिलेगा बस सीरीज वाइज नहीं है। हाउ मैनी ऑफ ATP मॉलिक्यूल आर फॉर्मड बाई कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड्स इन क्रेब्स साइकिल। पायरुविक एसिड, तो एक तरीके से ये क्रेब्स साइकिल, तो हमारा ये सी जो ऑप्शन है इनका आंसर जो है वो सही है। नेक्स्ट वन NIRD अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज लोकेटेड, तो NIRD तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास, तो ये एक तरीके से पूछा जा सकता है, पूछा गया है, इसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, तो ये हमारा हैदराबाद, NIRD हैदराबाद में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत NIRD। चलिए नेक्स्ट वन, रेड सॉयल आर मेनली फाउंड इन, रेड सॉयल कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार। तो ऑलरेडी ये सारे के सारे काफ़ी कुछ क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल से आपको मिल जाएंगे, तमिलनाडु राइट आंसर है। ट्रेनिंग अंडर ट्राइसेम इज मेनली, तो ट्राइसेम का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, यंग स्टूडेंट, रूरल यूथ, यंग वूमेन एंड नॉन ऑफ दीज। तो कहेंगे कि 53 में जनरली सबको मालूम होगा और इनका भी आंसर राइट ही है, रूरल एक तरीके से ग्रामीण युवाओं को। मोनली फार्म टाइप ऑफ एंटीनी फाउंड, ये भी है ऑलरेडी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, और ये टर्माइट, ग्राउंड बीटल, पल्स बीटल, मॉथ, तो ये हमारा एक तरीके से टर्माइट मोनली फार्म हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वायरल डिजीज ऑफ कैटल, कैटल का कौन सा इसमें से एक तरीके से वायरल डिजीज है, अर्थात पशुओं में विषाणु जनित, FMD, स्वाइन फीवर, रिंडर फेस्ट एंड ये सभी, तो एक तरीके से ये फूट एंड माउथ डिजीज हमारा विषाणु जनित है, रिंडर फेस्ट, स्वाइन फीवर, ये तीनों, तो ये ऑल ऑफ दीज जो है ये सही आंसर हो जाएगा। द फ्रूट ऑफ कैस्टर इज नोन एज, तो फ्रूट ऑफ कैस्टर दाना, फली, कैप्सूल, कॉब क्या कहते हैं, तो यहाँ देखिए ये सिंपल सा है, फ्रूट ऑफ कैस्टर की अगर बात की जाएगी तो सी ऑप्शन सही होगा, और यहीं अगर कहा जाए सीड ऑफ कैस्टर तो वो हमारा पॉड हो जाएगा, याद रखना है, हो सकता है कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ दिया जाए। मोस्ट कॉमनली यूज प्लांट फॉर टॉपियरी मेकिंग, टॉपियरी मेकिंग के लिए, तो इसमें हमारा एक तरीके से टॉपियरी मेकिंग के लिए कौन सा प्लांट सबसे ज़्यादा, तो ये हमारा बी ऑप्शन जो है सही है, इंगा डल्फिस स्पीसीज। नेक्स्ट वन 98, ब्लैक आर ब्राउन हर्ट डिजीज ऑफ शुगर बीट इज कॉज ड्यू टू, तो ब्राउन हर्ट या ब्लैक हर्ट ऑफ शुगर बीट, तो ये भी अरुण कात्याय में काफ़ी फेमस ये है, और बोरान की डिफिशेंसी से ये हमारा डिजीज लगता है। नेक्स्ट वन, द यूनिवर्सल सॉयल लॉस इक्वेशन टू प्रिडिक्ट इरोजन वाज गिवन बाई, ये किसने दिया है? तो इसका अगर हम देखें तो 64 का बी सही है, स्मिथ ने दिया था, विस्मियर एंड स्मिथ, तो ये हमारा सही हो जाएगा। 65 हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ऑलरेडी इसके बारे में भी एक वीडियो हमने उपलब्ध करा है रेड्डी रेड्डी की बुक से, न्यू दिल्ली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीरियस इंसेक्ट ऑफ ओनियन एंड गार्लिक, इसका भी आपको पब्लिकली वीडियो वेजिटेबल के इंसेक्ट पेस्ट के बारे में उपलब्ध है। मिली बग, अगर यही मैंगो होता तो ये मिली बग हो जाता,
बल्ब बोरर, ये भी नहीं, नॉन ऑफ दीज हो ही नहीं सकता। तो थ्रिप्स, थ्रिप्स मोस्ट फेमस डिजीज, या कह सकते हैं कि मोस्ट फेमस नहीं, मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ ओनियन। एंड नेक्स्ट वन, गेस्ट्रेशन पीरियड ऑफ काउ कॉमन है, और बार बार ये एक तरीके से आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, 285 दिन, 67 का। सीड रेट ऑफ कैरेट डायरेक्ट अरुण, ये कह सकते हैं कि इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर में आपको मिल जाएगा सीड रेट ऑफ कैरेट, और ऑलरेडी पब्लिकली वीडियो हमने सीड रेट के ऊपर एक वीडियो उपलब्ध कराया हुआ है, जहाँ पे सीरियल्स, पल्स, ऑयल सीड्स, वेजिटेबल्स, सारे के सीड रेट दिए गए हैं। तो इसमें हमारा 2 to 3, 8 to 10, 5 to 6, 15 to 20, तो सी ऑप्शन 5 to 6 के जी एक तरीके से एग्जैक्ट सीड रेट है। उसके अलावा भी अगर आपको कम्पिटेटिव एग्ज़ाम देना है तो उसमें एक तरीके से हमारा बिटर गार्ड होता है, उसका भी कभी कभी सीड रेट पूछा जाता है। टोमेटो है, इन सब के सीड रेट्स ज़्यादातर पूछे जाते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेस हैविंग इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे हम क्या कहेंगे, आइसोथर्म, आइसोहाइट, आइसोहाइलाइन, आइसोबार। तो देखिए ये चार क्वेश्चन आपके हो गए। आइसोबार, ये जो राइट आंसर इसका हो जाएगा, इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर ये करता है। नेक्स्ट वन आइसोथर्म, टेम्परेचर अर्थात एक समान टेम्परेचर को मिलाने वाले के लिए आइसोथर्म हो जाएगा, समताप। आइसोहाइट अर्थात समान वर्षा वाले, और समलवण, आइसो हाईलाइन अर्थात समान लवणता वाले जो प्लेसेज होते हैं उनको मिलाने वाला जो लाइन होगी वो आइसो हाईलाइन। तो ये चार क्वेश्चन बन सकते हैं कम्पिटेटिव एग्जाम में, तीन क्वेश्चन और अलग तरीके से आ सकते हैं, तो इनको ध्यान में रखना है। मिल्क फीवर इन काउ, मुझे लग रहा है कि प्रीवियस ईयर के TGT एग्जाम में भी पूछा गया है, तो कैल्शियम की डिफिशेंसी से काफ़ी। सीड प्लाट टेक्निक ऑलरेडी हमने बताया भी है, सीड प्लाट टेक्निक पोटैटो से, टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, पोटैटो, तो ये पोटैटो सीड प्लाट टेक्निक है, और इसको किसने दिया था आप सभी, हो सकता है ये भी कभी कभी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, सीड प्लाट टेक्निक किसने दिया था, तो इसका आंसर आप सभी दीजिए। मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद इसका आंसर दे दूंगा। फॉर द प्लांट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वाटर इच कौन सा होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैपिलरी, हाइग्रोस्कोपिक, ग्रेविटेशनल, नॉन ऑफ दिस। तो ये अरुण का तैन कैपिलरी वाटर, ऑलरेडी काफ़ी सिंपल पेपर, स्कोरिंग पेपर ये है। 62 का जो आंसर हो जाएगा एक तरीके से पुष्कर नाथ, सीड प्लॉट टेक्निक। विंटरिंग इज स्पेशल ऑपरेशन, काफ़ी फेमस ऑपरेशन है, किसमें किया जाता है, गुलाब, गुलदाउदी, ग्लैडियोलस, गुड़हल। तो एक तरीके से रोज में हम विंटरिंग करते हैं, जनरली ये विंटरिंग कब की जाती है ये भी आपका कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर कह सकते हैं, विंटरिंग के लिए बड़ा एक एग्जैक्ट टाइम है, तो ये भी याद रखना है, विंटरिंग इन रोज इन डन इन मंथ ऑफ अक्टूबर, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट वन, फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र KVK, तो सबको मालूम है इसका, 1974 में, मुझे उम्मीद है कि इतना सिंपल क्वेश्चन तो सबको मालूम होगा, लेकिन मैं इसका आंसर भी नहीं दूंगा। फर्स्ट KVK कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था और वो किस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत था, इसका आंसर आप सभी को देना है। अगर साल्ट में हम कहें तो TNU, तो उसका पूरा नाम क्या हो जाएगा आपको लिखना है कमेंट में। क्रिटिकल सॉइल टेस्ट लेवल अप्रोच वाज गिवन बाय, तो ये किसने दिया था, क्रिटिकल सॉइल टेस्ट लेवल अप्रोच। तो एक तरीके से इसका जो ऑप्शन है, कैट एंड नेल्सन, ये ए, एक तरीके से इन्होंने एक बार सही, मुझे लग रहा है उम्मीद कोशिश की थी, लेकिन फिर भी। लैब टू लैंड प्रोग्राम इन 1979 वाज लॉन्च्ड बाय, देखिए बड़ा फेमस क्वेश्चन है यार, उनका तैन से ही है। लैब टू लैंड प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ, 1979 में, क्वेश्चन हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर या PGT में पूछा जाए। किसके द्वारा लॉन्च हुआ, ICR के द्वारा लॉन्च हुआ। एक अगर क्वेश्चन आप सभी को हो सकता है मालूम भी हो कि गोल्डन जुबली, क्योंकि हमारा जो ICR है उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ICR का इस्टेब्लिशमेंट तो उसके बाद एक तरीके से गोल्डन जुबली के रूप में 1979 में, फिर लैब टू लैंड प्रोग्राम। क्रिकेट बॉल काफ़ी फेमस वैरायटी है, क्रिकेट बॉल इज ए वैरायटी ऑफ ग्वावा, लीची, सेपोटा, सिट्रस, रिपीटेड कर सकते हैं, सेपोटा की है। स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट आर फाउंड, हाउस फ्लाई, हनी बी, मॉस्कीटो। तो देखिए ये आपके बड़े हाउस फ्लाई, इसका जो स्पॉन्जिंग टाइप माउथ पार्ट होता है वो हमारा हाउस फ्लाई में होता है। एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, जो हमारा पॉलिनेटर होता है, मैंगो को पॉलिनेट करने का काम कौन करता है, अगर इसी में हम बात करें, हनी बी, सॉरी हाउस फ्लाई,
हनी बी, मॉस्कीटोज, और यहाँ नान ऑफ दीज की जगह अगर हम एक दे दें कि जो हमारा होता है वाइट फ्लाई, तो अब इसमें से कौन सा आंसर होगा आप सभी को कमेंट करना है, क्योंकि हो सकता है कि कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिया जाए और पूछा भी जाता है कि पॉलिनेटर ऑफ मैंगो। चलिए इसमें हाउस फ्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें हनी बी है, तो ये भी पूछा जाता है, इसमें कौन से एक तरीके से लैपिंग टाइप माउथ पार्ट पाए जाते हैं। मॉस्किटोज हैं पियर्सिंग कह सकते हैं कि सकिंग टाइप, ये सक करने का काम करते हैं मॉस्किटो, देखिए सुई ये की तरह। नेक्स्ट वन कृष्णा एंड कंचन, ये वैरायटी ऑफ, तो ये हमारा बड़ा फेमस है आंवला की वैरायटी कृष्णा एंड कंचन। नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज फादर ऑफ टीलेज, अरुण कात्यायन आप देखेंगे जस्ट वहाँ से मैंने बताया, अरुण कात्यायन इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर, और डेयरी के लिए आपको एक स्पेशल बुक जो है उसको पढ़ना पड़ेगा, बाकी आपका कंप्लीट हो जा रहा है। फादर ऑफ टीलेज जी थ्रोटुल सबको मालूम होगा। ऑयल कंटेंट इन ऑयल बेयरिंग प्लांट इज इंक्रीज बाय यूज, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बेस है कि ऑयल कंटेंट की मात्रा हम ऑयल क्रॉप में कैसे बढ़ा सकते हैं, सल्फर का यूज करके, मॉलिब्डेनम का यूज करके, नाइट्रोजन का यूज करके, या जिंक का। तो सिंपल सी बात है, इसमें हम सल्फर का यूज करके जनरली हम ऑयल की मात्रा इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन द अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सॉयल पार्टिकल इज कॉल्ड एज, जो हमारा प्राथमिक और द्वितीयक मृदा कणों के विन्यास को हम क्या कहते हैं, सॉयल टेक्सचर, सॉयल स्ट्रक्चर, सॉयल पोरोसिटी, ऑल ऑफ दीज। तो एक तरीके से ये हमारा सॉयल स्ट्रक्चर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अप्लीकेशन ऑफ स्टिकी बैंड अराउंड द ट्री स्टेम ऑफ मोस्ट इफेक्टिव फॉर कंट्रोल। देखिए ये भी ऑलरेडी मैंने इसको पब्लिकली वीडियो आप सभी को उपलब्ध कराया हुआ है, ये किसके द्वारा, मैंगो लीफ हॉपर, मैंगो मिली बैग, बार्किंग कैटरपिलर, या मैंगो स्टेम बोरल। इसमें सीधी सी बात की जा रही है, मैंने बताया भी था कि जनरली आम के तने के चारों तरफ जो है हम पट्टी, एक चिपकने वाली पट्टी लगा देते हैं, जनरली हम ग्रीस ऑयल या पेट्रोलियम इस तरीके से। तो ये हमारा मेजर रूप से आम के मिली बग के लिए, मिली बग ऑफ मैंगो, तो ये एक तरीके से फेमस है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन भी है और ये बार बार आता है इस तरीके से, तो ये आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन 101 उमरान, ये वैरायटी आप तो फेमस वैरायटी है, ऑलरेडी मैंने डिफरेंट हॉर्टिकल्चर वैरायटीज़ के बारे में वीडियो उपलब्ध कराया था, जो फेमस वैरायटी उसी में से है बेर, बेर की उमरान, गोला, सेब, ये सभी फेमस वैरायटियाँ हैं। क्रिकेट बॉल सेपोटा की हो गई इस तरीके से, विंटर बनाना, स्वीट बनाना, ये सभी। ग्रेसी सूट डिजीज ऑफ शुगर केन कास्ट बाई, ये भी देखो आपके जो टी ए का एक तरीके से SPPA का एग्जाम हुआ था वहाँ भी माइकोप्लाज्मल लाइक ऑर्गेनिज, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन 107 अवेलेबिलिटी ऑफ सॉयल वाटर टू प्लांट, तो ये किससे लेके किस ATM तक होगा, डायरेक्ट ये अरुण कात्यायन का ही क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन राइट है, ऑलरेडी वीडियो उपलब्ध है। फर्टिलाइजर दैट सप्लाई नाइट्रोजन बोथ अमोनिकल एंड नाइट्रेट फॉर्म, बहुत सिंपल सा एक तरीके से ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपका कम्पिटेटिव एग्जाम से रिपीटेड, अमोनिकल अमोनियम क्लोराइड्स, तो ये हमारा हो जाएगा। सुटेबल वैरायटी ऑफ ओनियन फॉर खरीफ क्रॉप, ये भी एक तरीके से बड़ी ही फेमस वैरायटी है, पूषा रेड, पूषा रत्नार, डार्क रेड, एग्रीफाउंड लाइट रेड, तो इसमें हमारा एग्रीफाउंड डार्क रेड एक तरीके से ये फेमस वैरायटी है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें एरिस्टेट एंटीनी आर फाउंड, देखिए काफ़ी फेमस ये क्वेश्चन हम बना सकते हैं, एरिस्टेट टाइप एंटीनी, अभी वहाँ माउथ पार्ट की बात की गई, फिर यहाँ एंटीनी की बात की जा रही है, सिप फ्लाई, हाउस फ्लाई, ग्रास हॉपर, पल्स बीटल, तो एरिस्टेट टाइप जो पाया जाता है वो हमारा हाउस फ्लाई में, ये सिंपल सा है, माउथ पार्ट और दोनों इसी से पूछे गए। पूसा चेतकी जी, वाह बड़ी फेमस वैरायटी है ये, कैरेट पोटैटो रेडिश भी, तो पूसा चेतकी ये रेडिश की वैरायटी है, इनका आंसर सही है, पूसा चेतकी हो गई ये रेडिश की वैरायटी, और पूसा केसर ये किसकी वैरायटी, अगर यही ऑप्शन, ये ऑप्शन इसमें चल जाएगा, अगर यहाँ चेतकी की जगह पूसा केसर अगर ऑप्शन पूसा केसर क्वेश्चन हो जाता तो फिर उसका क्या आंसर होगा, तो वहाँ पे हमारा आंसर ए हो जाएगा, कैरेट। नेक्स्ट वन एन ऑर्गेनिज्म दैट इज यूजुअली सेप्रोफाइटिक बट अंडर सर्टेन कंडीशन में भी पैरासाइट,
अर्थात जनरली वो मृतोपजीवी के रूप में रहता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में वो परजीवी बन जाता है। तो इसे हम ऑब्लिगेट पैरासाइट कहेंगे, ऐच्छिक पैरासाइट कहेंगे, या ऐच्छिक फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स कहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये पूरी डिफिनीशन, ये कौन सा फंजीसाइड होता है, कौन सा ऑब्लिगेट, कौन सा फैकल्टेटिव, क्योंकि ये भी एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जाता है, ऑलरेडी मैंने वीडियो भी उपलब्ध कराया है। तो यहाँ ऑब्लिगेट पैरासाइट, इनका पूरी तरीके से क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाए, गलत आंसर दिया गया है, ये राइट आंसर हो जाएगा फैकल्टेटिव पैरासाइट, अर्थात वो ऐच्छिक परजीवी बन रहा है, बाकी वो मृतोपजीवी के रूप में अपना जीवन जी रहा है। इनिशिएशन ऑफ मिल्क सिक्रेशन इज कॉल्ड एज लैक्टोजेनेसिस, गैलेक्टोजेनेसिस, गैलेक्टोफोसिस, नॉन ऑफ दिस। तो ए एक तरीके से ये राइट आंसर हो जाएगा। इज द टॉलेस्ट ब्रीड ऑफ शीप इन इंडिया, तो इसमें से कौन सी टॉलेस्ट शीप है? तो 105 का जो ऑप्शन है, नेल्लोर, इनका आंसर सही है, नेल्लोर एक तरीके से टॉलेस्ट गोट शीप कहेंगे, शीप इन द इंडिया, रिजेम्बलिंग ये गोट की तरह भी लगती है, बकरी की तरह प्रतीत होती है। पूषा मंजरी एंड पूषा नवीन आर द प्रोमिनेंट कल्टीवर ऑफ, ये भी बड़ी फेमस, पूषा नवीन, जाहिर सी बात है कि पूषा नवीन इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर, आप तुरंत बॉटल गॉल्ड, ये फेमस वैरायटी है। तो ये भी आंसर सही है। विच क्रॉप इज कॉमनली अफेक्टेड बाई ग्रीन ईयर डिजीज, ये भी काफ़ी फेमस डिजीज है, सोरघम, पियर मिलेट, वीट, राइस, राइस होगा नहीं, वीट होगा नहीं। बचा दो ऑप्शन, अब इन दो ऑप्शन में एक तरीके से अगर हम बात करते हैं तो बी पियर मिलेट, बाजरा, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, अगर कोई यहाँ से भी थोड़ा सा करता तो बड़े आसानी से लगा सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो वाटर सॉल्युबल, कौन सा इसमें से वाटर सॉल्युबल होता है, मोनो कैल्शियम फॉस्फेट, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, या ऑल ऑफ दीज? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैरीज आउट बाय, तो ये तो जाहिर सी बात है, नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्रेट, नाइट्राइट रिडक्टेज, नाइट्रोजिनेज। तो 119 का नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैरीड बाई नाइट्रोजिनेज एंजाइम। नेक्स्ट वन, 120, फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, एंथ्रेक्स, बैक्टीरियल डिजीज, रिंडर पेस्ट, वायरल, लीवर फ्यू, किंडो पैरासाइट, मिल्क फीवर, विटामिन ए। तो यहाँ रिंडर पेस्ट वायरल हो जाएगा, एंथ्रेक्स फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज इन कैटल, या कह सकते हैं कि एनिमल्स। एंड नेक्स्ट वन मिल्क फीवर, ये हमारा कैल्शियम की डिफिशियंसी से होने वाला है। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट वन। 121, द इफेक्टिव हैबिटेट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट, ऑलरेडी हिंदी में भी है, आप सभी इसको देख सकते हैं, ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, अरुण कात्यायन से ही है। पौधों के प्राकृतिक वास कारक जो पौधों के जीवन एवं विकास को प्रभावित करते हैं, जलवायु, मृदि, स्थलाकृति, जैविक, उपरोक्त सभी। तो जाहिर सी बात है ऑल ऑफ दीज, ये जो है ऑल ऑफ द एबव, ये राइट आंसर है। सर्वोदय स्कीम, मैंने पहले ही बताया था कि ये सारी स्कीम याद रखनी है, सर्वोदय स्कीम, एम के गांधी, राम मनोहर लोहिया, जनेश्वर प्रसाद मिश्रा, आचार्य विनोबा भावे। तो इसमें से मोस्टली अगर थोड़ा बहुत किसी ने गेस किया होगा तो बड़े आसानी से आचार्य विनोबा भावे, सर्वोदय योजना, और इनसे काफ़ी कुछ, सर्वोदय योजना है, भूदान आंदोलन है, ये सभी पूछे जाते हैं। फादर ऑफ इंडियन रस्ट, के सी मेहता, सिंपल, अरुण कात्यायन। विच वन ऑफ नॉन बायो पेस्टिसाइड, बायोनीम, बायोलेप, डाइपेल, कार्बेरिल। तो कार्बेरिल हम सब जानते हैं, लेकिन एक डाइपेल ये भी कभी कभी पूछा जाता है, ये इसका के बारे में कोई बताए अगर। बीटी, बीटी का कॉमन नेम याद रखना है, बायोलेब एंड डाइपेल, ये दोनों एक तरीके से बीटी हैं, बैसिलस थ्रोजिनेंसिस, याद रखना है, तो ये पूछा जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिल्क, मिल्क का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो -55, राइट आंसर, इन्होंने सही आंसर दिया है। एम्ब्रियो डॉर्मेंसी इज फाउंड, तो इसमें हमारा एम्ब्रियो डॉर्मेंसी आंवला होना चाहिए, जो राइट आंसर है। नेक्स्ट वन, फर्स्ट ड्वार्फ राइस वैरायटी, तो ये तो सिंपल सा है, फर्स्ट ड्वार्फ राइस वैरायटी डेवलप इन इंडिया, इंडिया की बात की जा रही है, IR8 क्या हो गया, वो फिलीपींस में डेवलप हुआ था, तो इंडिया का तो रह ही नहीं गया, IR20 वही हो गया। तो जया, जया एक तरीके से मिरेकल ऑफ राइस, इस तरीके से क्वेश्चन भी आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन, करन स्विस ब्रीड्स ऑफ काउ इज क्रॉस बिटवीन, करन स्विस जो है ये किसका है, तो ये साहीवाल एंड ब्राउन स्विस,
ये इनका आंसर गलत है, ये 82 का सी राइट आंसर है। द बायो फंजीसाइड ट्राइकोडर्मा, मैंने ऑलरेडी पब्लिकली वीडियो आप सभी को उपलब्ध कराया है, ब्लाइट, फ्यूजेरियम विल्ट। तो ये फ्यूजेरियम विल्ट के लिए जो सॉयल बॉर्न डिजीज हैं जनरली उनके लिए हम ट्राइकोडर्मा का यूज करते हैं। डोका एंड डंग डैंग, ये भी ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है। डेट पॉम, डेट पॉम में डोका एंड डंग स्टेजेज होती हैं जहाँ पे हम खाने का काम। एंड फ्लेम पोटोमीटर, देखिए आपका रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, पोटेशियम के लिए होता है, अभी जस्ट जो एग्जाम हुआ था वहाँ से रिपीट हुआ है। एलिमेंट इसेंशियल फॉर डीफ्लॉक्यूलेशन ऑफ सॉइल पॉलिकुलेट्स, तो ये सोडियम एक तरीके से राइट आंसर है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम वॉज डेवलप, ये भी एक्सटेंशन और उनका आते हैं से 19। तो ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम ये कब लॉन्च हुआ, तो ये एक तरीके से 1973 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम 1973। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द रेगुलर बेयरिंग वराइटी ऑफ मैंगो, रेगुलर बेयरिंग वराइटी ऑफ मैंगो इसमें से कौन सी है, तो चौसा स्वीटेस्ट वराइटी ऑफ मैंगो हो जाएगी। एंड यहाँ आम्रपाली एक तरीके से इन्होंने राइट आंसर दिया है और आम्रपाली ही सही है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग, इसके नाम से भी जानते हैं हम आम्रपाली को, इसका प्लांटिंग डिस्टेंस क्या होगा और पर हेक्टेयर कितने प्लांट लगते हैं, इसको आप सभी कमेंट में मैसेज कीजिएगा। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट स्ट्रेट पेस्टिसाइड, तो निकोटीन, हम देखिए हम इसका देते जा रहे हैं, निकोटीन किससे प्राप्त होता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो टोबैको से प्राप्त होता है। पायरेथ्रिन, ये क्राइसेंथिमम के फ्लावर गुलदाउदी जो आपने, क्राइसेंथिमम कभी कभी नॉक डाउन इफेक्ट होता है इसका, इसका क्या होता है नॉक डाउन इफेक्ट, ये भी पूछा जाता है किससे होता है, तो ये पायरेथ्रिन से। हम जितने भी अगर देखेंगे साइपरमेथ्रिन या मॉस्किटोज को जो किल करने के लिए एक तरीके से लिक्विड आता है वो भी थ्रिन। एंड एल्ड्रिन, तो इसमें एल्ड्रिन जो है एक तरीके से वो इंसेक्टिसाइड है जो कि प्लांट से ये नहीं निकाला जाता है। नेक्स्ट वन, अंडर नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोडक्ट प्रोजेक्ट द ICAR, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू एग्रो क्लाइमेटिक जोन, मुझे इसलिए इसका आंसर राइट याद है क्योंकि जब UPPCS के एग्ज़ाम हम सब देते थे तो वहाँ ये एक तरीके से पूछा जाता था और ये पूछा गया है, तो 127 राइट आंसर होगा। और यहाँ नॉन ऑफ दीज, यहाँ जो राइट आंसर है वो 127 है, ये याद रखना, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि पूछा जा सकता है। तो ये एक तरीके से सल्फर रिमूवल बाय फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ क्रॉप्स इन द, अर्थात सल्फर का सबसे ज़्यादा, तो सल्फर सबसे ज़्यादा कौन सी फसलें यूज करती हैं, तो तिलहन, दलहन और धान। तो यहाँ हमें घटते क्रम में बताना है, तो सबसे पहले तिलहन, फिर दलहन, फिर धान हो जाएगा। मैंगो कल्टीवर विच रिटेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेवर इवन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, तो कह सकते हैं कि कौन सा कल्टीवर, तो यहाँ पे हम एक तरीके से आलाप दीज कह सकते हैं, आंसर सही हो जाएगा। प्रोसेसिंग के समय स्टैंडर्ड फॉर सॉलिड नॉट फैट SNF इन कंस्टिट्यूट ऑफ बुफेलो मिल्क, अगर एक हमारा स्टैंडर्ड बुफेलो मिल्क है तो उसमें SNF कितना होना चाहिए, तो एक तरीके से 8.6, 9.2, 9.5, 13.5, तो इसका राइट आंसर जो होता है वो 6% फैट होता है और 9% SNF। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा वो बी एग्जैक्ट हो जाएगा, थोड़ा सा क्लोजली दिया गया है, एग्जैक्ट नहीं दिया गया है। दूसरा दो तीन क्वेश्चन अगर यहाँ से हम बात करें स्टैंडर्ड से, काऊ को आपको याद रखना है 100% बुफेलो का हो ही गया, साथ ही साथ टोन्ड मिल्क एंड डबल टोन्ड मिल्क, इसमें कितना परसेंट फैट और कितना परसेंट एक तरीके से SNF या एक तरीके से ये, तो ये याद रखना है आपको, टोन्ड एंड डबल टोन्ड मिल्क में कितना परसेंट फैट पाया जाता है, ये आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया। रिफ्रेक्टोमीटर इज यूज टू डिटर्मिनेशन, रिफ्रेक्टोमीटर्स के द्वारा हम किसका, तो एक तरीके से TSS, तो 78 का जो है सी, टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स राइट हो जाएगा। द प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड हिज सेवाग्राम प्रोजेक्ट, सेवाग्राम प्रोजेक्ट कहाँ इन्होंने लॉन्च किया, अहमदाबाद, सूरत, वर्धा, नवसारी, तो वर्धा ऑलरेडी अरुण कत्यान में दिया गया है। बारादरी, ऑलरेडी मैंने इसको उपलब्ध कराया हुआ है आप सभी को, बारादरी इज इम्पॉर्टेंट फीचर जापानीज, मुगल, इंग्लिश, ऑल ऑफ दीज, तो ये बारादरी जो होता है बारा द्वार,
ये मुगल गार्डन, मुगल गार्डन में बारादरी हो गया, साथ साथ रनिंग वाटर जो हैं, मॉस्क तरीके से जो होते हैं, ये सारे जो फीचर्स हैं वो मुगल गार्डन के होते हैं। चलिए नेक्स्ट वन, CAMGSR कार्डेज, तो इनको माइक्रो सेकेंडरी माइक्रो, अब अगर इसको मुझे बताना पड़े तो काफ़ी, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से, तो बी ऑप्शन राइट है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी 1945 16 अक्टूबर, ये भी याद रखना है, विश्व खाद्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो कभी कभी 16 अक्टूबर भी पूछा जाता है। आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर फाउंडेशन सीड्स प्रोडक्शन इन ब्रिंजल 200, 300, 100 और 400, तो इसमें ए जो है वो राइट है, 200 मीटर फॉर फाउंडेशन सीड्स एंड 100 मीटर फॉर सर्टिफाइड सीड्स। रेनफॉल सिमुलेटर्स इज यूज फॉर सॉइल लॉस स्टडीज, रन ऑफ कंप्यूटेशन, रेनफॉल स्टडीज बोथ ए एंड सी, तो इसका जो राइट आंसर है वो रेनफॉल स्टडीज के लिए हम यूज करते हैं। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ पनीर शुड नॉट बी लेस देन, तो इसमें एक तरीके से जो हमारा पनीर होता है उसमें मॉइस्चर का परसेंटेज जनरली 45% के करीब होता है, लेकिन इसमें जो मिनिमम ऑप्शन दिया गया है वो 55 दिया गया है, तो ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें क्वेश्चन, क्रिटिकल स्टेज ऑफ फर्स्ट इरीगेशन CRI, तो 21 से 25 दिन, सी राइट आंसर हो जाएगा। विल्ट पिजन पी शुड बी इंटरक्रॉप, अगर हमें विल्ट डिजीज, पिजन पी अर्थात अरहर में, हम ऑलरेडी इसके बारे में, हमने पिजन पी के जो विल्ट डिजीज है उसके बारे में एक वीडियो उपलब्ध कराया हुआ है प्लांट पैथोलॉजी प्लेलिस्ट के नाम से, उसमें मैंने बताया भी है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है सोरघम। सोरघम को अगर हम, जिसे हम ज्वार कहते हैं, ज्वार के सॉइल एक तरीके से रूट से केमिकल निकलता है जो कि विल्ट डिजीज को कंट्रोल करने का काम करता है। टोटल नंबर ऑफ इसेंशियल एलिमेंट 17 है, इसको 16 कोई ना करे, अब नया जो है वो 17 है। एंड लास्ट वन कौन सा ऐड किया गया है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो एक दो क्वेश्चन के बाद मैं इसका आंसर दूंगा, तब तक आप सभी कमेंट कीजिए लास्ट जो ऐड किया गया, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसकलरेशन ऑफ कैंड फ्रूट प्रोडक्ट, तो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग हो जाएगी। सीड रेट ऑफ कैरेट पर हेक्टेयर, देखिए ये कैरेट का सीड रेट पूछा गया है, तो ये एक तरीके से ऑलरेडी हम इसको देख चुके हैं, ये रिपीट हो रहा है, तो इसको हम स्किप कर जाते हैं। नेक्स्ट वन, कोलेस्ट्रम इन इज रिच सोर्स ऑफ, कोलेस्ट्रम या खीस, ये पिछली बार भी पूछा गया था, ग्लूकोज का, प्रोटीन का, मिनरल का, या ऑल ऑफ दीज, तो ये ऑल ऑफ दीज, क्योंकि आयरन की मात्रा भी इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंजाइम, फैट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन और ऑल प्रोटीन आर एंजाइम, तो एक तरीके से ये सिंपल सा है कि जो हमारा एंजाइम हो जाएगा वो एक तरीके से, अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन से, तो बी ऑप्शन सही है, और जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो भी एक तरीके से। टाइम एंड टेम्परेचर कॉम्बिनेशन इन बैच आर होल्डिंग मेथड्स, देखिए यहाँ थोड़ा सा बस चेंज कर दिया, जो आपका HTST होता है अर्थात, और एक LTST लो टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, और LT कहेंगे कि LT जो भी है, लो टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम, और हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम एंड लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, तो लॉन्ग टाइम यही उसका है, होल्डिंग मेथड्स जो होता है वो उसके अंतर्गत आता है पाश्चुराइजेशन के, जो दोनों मेथड्स हैं, तो इसमें हमारा 145 अर्थात, और हम 30 मिनट के लिए करेंगे, तो ये एक तरीके से 56 का ए सही है, 145 अंश फारेनहाइट, या हम अगर टेम्परेचर की बात करें तो 61 अंश सेंटीग्रेड के करीब, और 30 मिनट के लिए। और यहीं अगर बात करें जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम, तो उसमें हमारा 15 सेकेंड के लिए होगा और 161 अंश फारेनहाइट हो जाएगा। सीड एक्ट कब पास हुआ था, बहुत सिंपल है, सीड एक्ट, इंसेक्टिसाइड एक्ट, ये सारे आपको याद रखने हैं, PFO, FPO, ये सारी चीज़ें, तो 1966, ये तो सिंपल है, कोई भी कर ले जाएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं है। पंचायती राज कब आया, इसका भी हमने 2 अक्टूबर 1959 में नागौर डिस्ट्रिक्ट, अब ये नागौर
तो दिया है, सिंपल है। लेकिन किस स्टेट की अगर बात करेगा तो फर्स्ट स्टेट हमारा नागौर राजस्थान था, सेकंड स्टेट हमारा हैदराबाद है। पंचायती राज व्यवस्था किसने दी थी? बलवंत राय मेहता कमेटी ने दी थी। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। पंचायती राज सिस्टम क्या है? थ्री टायर है। ये भी देखिए, मैं ये नहीं, ये जीके क्वेश्चन, ये एग्रीकल्चर में भी पूछा जाता है। पंचायती राज सिस्टम इज ए थ्री टायर अर्थात त्रिस्तरीय, ये पूछा जाता है। पंचायती राज सिस्टम इज ए वन टायर, टू टायर, थ्री टायर, फोर टायर। तो ये त्रिस्तरीय है, जिसमें हमारा अगर सिंपल सी बात करें, यूपी में प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव होता है, तो उसमें जो है जिला पंचायत सदस्य और जो बीडीसी और जो, तो ये एक तरीके से त्रिस्तरीय हो जाएगा। विच फ्रूट इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ मार्मलेट्स? तो ये भी फिर से पूछ दिया गया है। लीची, गुआवा, मैंगो, ऑरेंज, तो ऑरेंज हो जाएगा। यूरिया इज ए डाईएमाइड ऑफ कार्बोनिक एसिड, सिंपल सा है क्वेश्चन। यूरिया क्या है? वो कार्बोनिक एसिड का डाईएमाइड है, तो ए ऑप्शन सही है। अवरोधी वैरायटी चिकपी की, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तो आला बीज, ये राइट आंसर है। द प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ वाटर हाइड्रोपोनिक्स आपको मिल जाएगा। एरोपोनिक्स मीन्स वायु में खेती करना, मोनोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स, तो ये हाइड्रोपोनिक्स। टोडा इज ए ब्रीड ऑफ, ये भी पिछली बार पूछा गया था, ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। टोडा क्या होगा? तो टोडा जो है एक तरीके से बुफेलो की, कई बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है टोडा, पिछली बार भी टीजीटी या पीजीटी में पूछा गया था। अर्ली ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो इज ए, अर्ली ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो क्या है? सॉयल बॉर्न, एयर बॉर्न, सीड बॉर्न, ऑल ऑफ दीज। तो अर्ली ब्लाइट या लेट ब्लाइट, ये सॉयल एंड सीड, तो ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएगा। पूसा स्नोबॉल, मैंने जो फेमस वैरायटी दी है उसमें ऑलरेडी बताया हुआ है, पूसा स्नोबॉल जो है वो कॉलीफ्लावर की वैरायटी एक तरीके से, 33 का बी ऑप्शन हो जाएगा। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल? पास्चराइजेशन, कैनिंग, ब्लांचिंग, एक्सक्लूजन ऑफ मॉइस्चर। तो अगर हमारा फ्रूट और वेजिटेबल का प्रिजर्वेशन करना है तो उसमें सबसे बेस्ट मेथड्स क्या है, या कह सकते हैं कि परमानेंट मेथड्स, तो इसका अगर राइट आंसर देखा जाए तो पास्चराइजेशन होगा। कैनिंग, कैनिंग मीन्स हम डिब्बा बंदी करते हैं। ब्लांचिंग मीन्स हम ब्लांच, देखिए हम ये जो बता रहे हैं एक क्वेश्चन है, ब्लांचिंग इन एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम को इन एक्टिवेट करने के लिए हम ब्लांचिंग करते हैं, ये पूछा जाता है। और अगर हम मॉइस्चर को निकाल दे रहे हैं फ्रूट या वेजिटेबल में से, तो वो भी एक तरीके से मेथड्स है, लेकिन अगर एक अमाउंट से ज़्यादा हम मॉइस्चर निकाल देंगे तो वो पूरी तरीके से फ्रूट या वेजिटेबल सूख जाएगा, तो ये तो कोई ऑप्शन रहा नहीं। तो पास्चुराइजेशन हम कह सकते हैं करके वेजिटेबल और इनको पूरी तरीके से बैक्टीरिया वायरस को किल करके। एमंग द फॉलोइंग विच वन मोनोकॉटिलीडन, नॉट मोनोकॉटिलीडनस फ्रूट्स? कोकोनट, मोनोकॉटिलीडनी, डेट पॉम, पाइनएप्पल। तो एक तरीके से ये फेमस अरुण का तैन का जस्ट फर्स्ट पेज का ही क्वेश्चन है। तो कस्टर्ड एपर जो है, इसको छोड़ के बाकी सारे के सारे जो है हमारे क्या है एक तरीके से मोनोकॉट। ये जो हमने MSCAG का, अगर ये MSCAG वाले जो पढ़े हैं, अगर जो यूपी कैटेगरी BHU की तैयारी किए थे, अगर वो इस पेपर को करें तो मुझे उम्मीद है कि 120 में 125 क्वेश्चन अगर थे तो 125 में वो 120 के करीब बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। दो तीन क्वेश्चन भाई गलती कहा जा सकता है कि हो जाए वो कहीं इधर उधर करने में, बाकी सारे क्वेश्चन वो कर सकते हैं। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आर रिलेटेड टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पोवर्टी एलिविएशन या ऑल ऑफ दीज? तो रूरल ग्रामीण विकास, भाई हम एम्प्लॉयमेंट स्वरोजगार को भी बढ़ाते हैं, रोजगार सृजन का भी काम होता है, पोवर्टी गरीबी उन्मूलन का भी काम होता है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। यू रिक्लेमेशन ऑफ एल्कली सॉइल, CaO, CaCO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaSO4, 2H2O। तो अब देखिए इसमें सीधा जिप्सम का फार्मूला दे दिया गया, बस क्या किया गया, चेंज कर दिया गया। मतलब ये ना देखे जिप्सम, अदर जो चार ऑप्शन, ये ना देखे सीधा पूछ दिया गया कि इसमें कौन सा है ये जिप्सम का फार्मूला। अब जिप्सम का फार्मूला जिसको मालूम होगा वो राइट आंसर दे दिया होगा। तो CaSO4 ये राइट आंसर है डी। द जर्मिनेशन ऑफ विच कॉटिलीडन सीड्स रिमेन इन दिस सॉइल? देखिए ये बड़ा फेमस, हाइपोजियल, एपीजियल। हाइपोजियल मीन्स जब सॉइल के अंदर ही हाइपोजियल कंडीशन पाई जाती है। रिमेन इन द सीड जर्मिनेशन विच कॉटिलीडन सीड्स रिमेन इन सॉइल, सॉइल में ही रह जाए, अर्थात एपीजियल। हाइपो मीन्स
ऊपर की तरफ आ जाए, तो ये एक तरीके से 38 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वन, क्रोमोजोम नंबर ऑफ रिवर्ब फैल होती है 50 है। जमुनापारी इज ए नेटिव, जमुनापारी उत्तर प्रदेश की एक तरीके से है। प्रोजनी ऑफ ब्रीडर सीड्स, ब्रीडर सीड्स की प्रोजनी क्या होगी, न्यूक्लियस सीड्स, टीएल सीड्स, फाउंडेशन सीड्स, सर्टिफाइड सीड्स। देखिए इन्होंने कितने सिंपल क्वेश्चन को गलत कर दिया है। 18 का प्रोजनी, प्रजनक बीज की संतान है, अर्थात प्रजनक जो बीज होता है, जो ब्रीडर सीड होता है, उसका एक तरीके से प्रोजनी कौन होगा, तो वो न्यूक्लियस सीड्स होगा। ये हमारा न्यूक्लियस सीड्स, उसके बाद ब्रीडर सीड्स, ब्रीडर सीड्स के पास फाउंडेशन सीड्स, फाउंडेशन के बाद सर्टिफाइड, सर्टिफाइड के बाद हमारा ट्रूथफुल लेवल। ये TL मीन्स क्या होता है, इसका पूरा नाम भी कभी कभी पूछा जा सकता है, ट्रूथफुल लेवल सीड्स। तो यहाँ जो एक तरीके से आधारी बीज नहीं होगा, ये न्यूक्लियस होगा, गलती हो गई इनसे। अरुण का ये BD सिंह में अच्छा है। रेड कलर ऑफ टोमेटो, तो ये तो लाइकोपिन है, बहुत ही सिंपल है, सबको मालूम होगा। वेरी विग्योरस रूट स्टॉक ऑफ एप्पल, देखिए फिर से ये एक तरीके से रिपीट हो गया है। तो वेरी विग्योरस में आपका ये M27, M9, तो M27 अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक है, तो ये एक तरीके से राइट आंसर M27 होना चाहिए। हालांकि यहाँ M9 और M27 में कन्फ्यूजन हो सकता है, और अब ये डिपेंड करेगा एग्जामिनर के ऊपर, लेकिन 127 मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। हाइपोजियल जर्मिनेशन इज फाउंड, हाइपोजियल जर्मिनेशन किस में पाया जाता है, मोस्ट मोनोकॉट एंड सम डाइकॉट्स, मोस्ट ऑफ डाइकॉट एंड सम मोनोकॉट्स, तो इसका सी ऑप्शन सही है। हाइपोजियल्स अर्थात ऊपर भौमिक, तो ऊपर भौमिक कंडीशन में, या सॉरी है अधोभूमिक, तो एक तरीके से अगर अधोभूमिक और ऊपर भौमिक, तो वहाँ जो हमने एक आंसर आपको बताया था ईपीजीएल का मीन्स, मैं जस्ट एक बार उसको देख लूँ, हो सकता है गलती हो गई हो। अंकुर के समय कॉटलीडन, अंकुरण का प्रकार जिसमें बीज की कॉटलीडन भूमि के अंदर ही रह जाती है, ईपीजीएल अर्थात भूमि के अंदर, और हाइपोजीएल, तो ये चीज़ें हैं कन्फ्यूजन है। तो यहाँ हाइपोजीएल मीन्स अधोभूमिक, तो ये हमारा जो पाया जाएगा वो मोस्ट ऑफ मोनोकॉट्स एंड सम डाइकॉट्स। मैं बस चेक कर रहा था हाइपोजीएल और ईपीजीएल, देखिए एक ही से दोनों क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो हाइपोजीएल ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, नेरली कैनाल बैंक एरिया सॉयल बिकम सैलाइन, मैंने इसको सॉल्व भी कराया है एज MCQs के रूप में, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है TGT और PGT का। मेथड ऑफ मास कम्युनिकेशन, डेमोस्ट्रेशन फील्ड, फार्म विजिट, ग्रुप डिस्कशन, न्यूज़पेपर, तो समूह, मेथड ऑफ मास कम्युनिकेशन, तो समाचार पत्र, ये एक तरीके से सबसे ज़्यादा इसमें ब्रॉड लेवल पे है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, इन्वायरमेंट से दो तीन क्वेश्चन, तो ट्रोपोस्फेयर लोएस्ट होता है, लोअर, इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर अर्थात इसको हम समताप मंडल कहते हैं, क्षोभ मंडल में जो सारी गतिविधियाँ होती हैं, वर्षा होना और जो सारी गतिविधियाँ वो क्षोभ मंडल में होती हैं, और समताप मंडल अर्थात स्ट्रेटोस्फेयर में आपका ओजोन लेयर पाई जाती है, पूछा जा सकता है। मिल्क शुगर को हम लैक्टोज कहेंगे, फ्रैक्टोज, फ्रूट शुगर को सुक्रोज, ये सारे। गवर्नमेंट इंडिया सेटअप प्लानिंग कमीशन अर्थात योजना आयोग की गठन 1950 में हुआ था, अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग हो गया है, तो नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, और नीति आयोग का गठन कब हुआ, 1 जनवरी 1914, 1 जनवरी 1915, 1 जनवरी 1916 और 1 जनवरी 1917, तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज क्रॉप इंसेक्ट पेस्ट नॉट करेक्टली मैच, शुगर केन, गुरदासपुर बोरर, पिछली बार ये पूछा गया है, ये सही है, ग्राउंड नट, वाइट ग्रब पाया जाता है, रेप शीट, एफिड पाया जाता है, सनफ्लावर में पॉइंटेड बग नहीं पाया जाता, तो ये एक तरीके से सही है, मिलान नहीं है, देखिए इन्होंने सही करके गलत, तो सनफ्लावर जो है वो सही है। द क्लाउड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूस प्रेसिपिटेशन, निम्बोस्ट्रेटस, कैरस, सिरस, क्यूबुलस,
क्यूमुलस एंड एल्टो क्यूमुलस। तो इसमें जो 10 है, 10 में ए निम्बो स्ट्रेटस। सोयाबीन सीड कंटेंट सिंपल सा है, सोयाबीन के सीड में 40% आयल, 40% प्रोटीन, 40% आयल। तो ये तो सोयाबीन में जो होता है वो प्रोटीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो डी इन्होंने राइट भी दिया है और ये डी सही है। काउ ब्रीड राठी कॉमनली फाउंड इन स्टेट, राठी जो है वो कहाँ पाई जाती है, तो बड़ी फेमस है। और ये पूछा जा सकता है राठी किसकी है, तो ये गाय की है एक क्वेश्चन, दूसरा ये राजस्थान। तो सही है, बहुत सही इन्होंने दिया है। लिनसिड इज कॉमनली नोन एज, लिनसिड का अल्थी को हम फ्लाक्स कहते हैं, राइट है। विपटेल डिसऑर्डर पॉलीफ्लावर मॉलिब्डेनम की डिफिशेंसी से। मेज काजेज आप ब्लैक टिप, तो यहाँ सी CO2 SO2 एसिटिलीन गैस। गरीबी हटाओ नारा किसने दिया था, तो इंदिरा गांधी ने दिया था। कब दिया था, 1975 में दिया था। RRB की स्थापना कब हुई थी, 1975 में हुई थी, पूछा जा सकता है। विच वेजिटेबल ऑयल इज गुड फॉर हार्ट पेशेंट, तो सनफ्लावर सोयाबीन ऑयल मस्टर्ड ऑयल ग्राउंड नट ऑयल। तो एक तरीके से ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात की जा रही है। तो यहाँ सूरजमुखी, तो सनफ्लावर या सोयाबीन, तो सनफ्लावर। पैराक्वेट जिसको हम ग्लाइफोसेट के नाम से, तो ये सेलेक्टिव है, सेलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव, सेलेक्टिव हो जाएगा। और पैराक्वेट वीडिसाइड सेलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव सेमी सेलेक्टिव नॉन ऑफ दीज। तो पैराक्वेट डाइक्वेट ये सभी क्या होते हैं, नॉन सेलेक्टिव, मतलब ये दोनों को किल कर देते हैं। सेलेक्टिव मीन्स जो केवल सेलेक्टिव वीड्स को किल करें। द फॉलोइंग विच वन ऑफ नॉट मिल्च टाइप ऑफ इंडियन कैटल कौन सी नहीं है, तो अमृत महल, अल्पाइन, ये देखिए सारे के सारे वो जो मैं किताब बता रहा हूँ अल्पाइन गोट है उसी में से हैं। तो ये टोटल आपके 120 क्वेश्चन हो गए। और मुझे उम्मीद है कि जो भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसने क्या किया, आप सभी कमेंट करके आपस में एक दूसरे का इवेल्युएशन कीजिएगा, लेकिन मेरा जो अनुमान है कि जो NSCAG एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे यूपी कैडेट और BHU की, और वो अगर पेपर ये पाएंगे करेंगे जिनको ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है, तो वो अपना कमेंट भी करेंगे कि उनके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन उनके सही हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि वो 120 क्वेश्चन 120 प्लस बड़े आसानी से करके आ सकते हैं। तो चलिए, हाँ, उम्मीद है कि ये आप सभी को आगे की तैयारी के लिए कि किस तरीके से, जो बुक हैं 3 फेमस बुक हैं जो मैंने पहले ही बताया था, अरुण कात्यायन इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर एंड थर्ड जो बेसिक जिनसे आपको एक तरीके से डेयरी का पोर्शन पढ़ना है, वो भी एक बड़ी फेमस यूपी कैटेट जिसे हम हैंड बुक ऑफ एग्री टेस्ट के नाम से जानते हैं, AK त्रिपाठी सर की बुक है ये। तो इसमें आपका डेयरी का पोर्शन है 20 से 25, AK त्रिपाठी 20 से 25 पेजेज हैं, लेकिन ये 20 से 25 पेजेज डेयरी पोर्शन के लिए सफिशियंट होते हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो चलिए, ऑल द बेस्ट।